भारत बांग्लादेश के बीच शुरू हो चुके दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। ये निर्णय बांग्लादेश के लिए काफी खराब साबित हुआ। दरअसल आपको बता दें कि टीम के जाकिर हसन, जो कि पिछले मैच के सेंचुरियन रहे थे, उन्हें जयदेव उनादकट ने केएल राहुल के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा। जिसके बाद नजमुल संतो भी रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर LBW होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि टीम के लिए शकीब अल हसन ने कुछ अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन शकीब अल हसन भी 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुशफिकुर रहीम 26 रन बना पाए, लिटन दास 25, मेहंदी हसन 15 रन, नूरुल हसन 6 रन, तस्कीन अहमद 1, तजुल इस्लाम 4 रन, नबात और खलीद अहमद 0 रन बना पाए। लेकिन टीम का स्कोर रहा 227 रन और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा टीम के नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मोमिनुल हक का। बता दें कि प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए मोमिनुल हक को शकीब अल हसन ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया। पहले मैच में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 157 गेंदों में 84 रन की पारी खेली। इसी के साथ ही पारी में 12 चौके और एक छक्का भी लगाया। पारी के दौरान 53.50 का मोमिनुल हक का स्ट्राइक रेट रहा। मोमिनुल की बात करें तो पिछली 10 पारियों में उनके बल्ले से 10 रन का भी स्कोर नहीं आ पाया था, लेकिन भारत के खिलाफ उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया और 84 रन की पारी खेली। बात करें अगर हक की तो हक का विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिया। उन्होंने ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाकर मोमिनुल हक को पवेलियन की राह दिखाई। मोमिनुल हक ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, हालांकि अश्विन इस बीच में दीवार बने और उनका विकेट लिया। मोमिनुल हक की बात करें तो 9वें विकेट के रूप में बांग्लादेश को झटका लगा। टीम का स्कोर उस वक्त 227 रन था। आपको बता दें कि इसके बाद ही टीम ऑल आउट हो गई। वहीं बात करें अगर मोमिनुल हक की तो नंबर 3 पर वह बल्लेबाजी करने आए। इस दौरान उन्होंने तमाम बल्लेबाजों के साथ साझेदारियां की और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन टीम 227 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले दिन भारत ने भी बल्लेबाजी करना शुरू किया और टीम इंडिया ने बिना किसी विकेट के 19 रन बनाए। बता दें कि भारतीय टीम इस वक्त 208 रन पीछे है और दूसरे दिन का खेल शुरू होगा। जो कुछ आपकी राय है मोमिनुल हक के द्वारा खेली गई इस पारी को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।